दोस्तों ओमनीट्रिक्स पूरे साइंस फिक्शन में एक बेहद ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है। इसकी फंक्शनैलिटी ना केवल फ्यूचरिस्टिक है पर कई हिस्सों से इम्पॉसिबल भी है। लेकिन यार एक इम्पॉसिबल आइडिया भी तो किसी फैक्चुअल और पॉसिबल चीज से ही पैदा होता है। ओमनीट्रिक्स डिवाइस को बनाने वाले राइटर्स ने इसकी साइंस को जरूर स्टडी किया होगा और उसी को इनहेंस करके इस कार्टून को बनाया होगा। अब जब मैंने भी इसकी साइंस पर थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे भी ओमनीट्रिक्स के बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स बेहद ही इंटरेस्टिंग लगे। दोस्तों आज हम ओमनीट्रिक्स को साइंस के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे और उसका पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। तो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक और बने रहिए वीडियो में तक मेरे साथ। दोस्तों ओमनीट्रिक्स एक बहुत ही सिंपल थियोरी से फंक्शन करता है, इसीलिए तो ये कार्टून बच्चों में इतना फेमस हुआ था। अब बहुत ही आसान भाषा में बोलूं तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे पहनने वाला किसी दूसरे एलियन स्पीसीज में आराम से कन्वर्ट हो सकता है। और थोड़ा साइंटिफिक वे में बोलूं तो ओमनीट्रिक्स हर एक सेल में जाकर उसके पूरे डीएनए इनकोडिंग को चेंज कर देता है। अब एग्जिस्टिंग डीएनए के चेंज होने की वजह से बाहरी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, यानी कि ओमनीट्रिक्स इंटरनली और एक्सटर्नली हमारी बॉडी को बदल देता है। अब इसका मतलब है कि हमें ओमनीट्रिक्स बनाने के लिए बस एक ऐसी चीज बनानी है जो डीएनए को म्यूटेट करके उसकी फंक्शनैलिटी को बदल दे। डीएनए एक बायोलॉजिकल कोड होता है जिसके अंदर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन होती है। अब यार मैं आपको यहाँ पहले ही बता दूं कि जिस तरह से ओमनीट्रिक्स किसी को एलियन स्पीसीज में बदल देता है, उस तरह से डीएनए को चेंज करना इम्पॉसिबल है। हाँ, डीएनए में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट चेंज केवल भगवान ही कर सकते हैं। नहीं, शायद मैंने गलत कह दिया। डीएनए में बहुत बड़े चेंजेस होना पॉसिबल तो है, लेकिन एक ही लाइफ टाइम में ये चेंजेस होना इम्पॉसिबल है। अब मुझे उम्मीद है कि हमारे पास पढ़ी लिखी जनता है जिन्हें एवोल्यूशन का मतलब तो पता ही है। एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन जनरेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्म होती रहती है। हम आज जानते हैं कि इंसान बंदर से इवॉल्व होकर आज इस जगह पर पहुंचे हैं। अब बेशक इस प्रोसेस में हमारे डीएनए पूरी तरह से बदल गया है, बस छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि इस काम में लाखों सालों का वक्त लग गया था। अब एवोल्यूशन हर एक स्पीसीज में कॉमन है। आज जो बर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो डायनासोर से ही तो इवॉल्व हुए थे। आज से 1000 साल बाद का इंसान भी हमसे कई गुना ज्यादा अलग होगा। अब ये एवोल्यूशन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक वेरिएबिलिटी। हर एक स्पीसीज के लिए सर्वाइवल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसके लिए वो बॉडी को लगातार बदलता रहता है या फिर सेम बनाए रखता है। अब जब सभी फैक्टर्स उसके अगेंस्ट होते हैं तो वो अपनी बॉडी को इवॉल्व करके उस सिचुएशन में खुद को सर्वाइव करता है। लेकिन ओमनीट्रिक्स ऐसा नहीं है, ये डीएनए को इवॉल्व नहीं करता पर पूरी तरह से चेंज ही कर देता है। बेन 10 सीरीज में डीएनए और एवोल्यूशन से जुड़ा एक बेहद ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। अब बेन 10 एलियन फोर्स में हाइब्रिड बेहद ही इंपॉर्टेंट विलेंस में से एक थे। अब ये स्पीसीज के एलियंस एक्सटिंक्ट हो रहे थे क्योंकि वे लोग इनब्रीडिंग नाम की बीमारी से जूझ रहे थे। अब इस स्पीसीज के एलियंस हजारों साल से अपनी फैमिली में ही रिप्रोडक्शन कर रही थी, जिस वजह से उसके आने वाले जनरेशन को किसी भी तरह की नई एबिलिटी नहीं मिल पा रही थी। मतलब सिंपल वे में बोलूं तो वे इवॉल्व करने में नाकाम हो रहे थे और धीरे धीरे वे लोग मर रहे थे। अब यहाँ पर बेन ने अपने ओमनीट्रिक्स की मदद से सभी हाइब्रिड के डीएनए को यूनिक बना दिया। अब इससे हुआ ये कि सभी आने वाले जनरेशन के डीएनए भी यूनिक आएंगे और उन्हें इवॉल्व करने में मदद करेंगे। अब डीएनए में माइक्रो एवोल्यूशंस आते ही रहते हैं और ये चीज तो बेहद ही कॉमन बात है। जैसे कि बहुत बार किसी पैदा हुए बच्चे के पास ब्लू कलर की आईज आ जाती है, जबकि उनके माता पिता के पास ऐसा किसी के पास भी नीली आंखें नहीं होती। अब इन एवोल्यूशन को म्यूटेशन भी कहा जाता है। अब यार कॉमिक बुक्स में म्यूटेशन वर्ड को बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा दिया गया है। म्यूटेशन का नाम सुनते ही हम हीलिंग पावर्स, माइंड को पढ़ने की पावर्स या मेटल को कंट्रोल करने वाले म्यूटेंट्स के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि म्यूटेशन हमेशा ही बहुत छोटे स्तर पर होता रहता है, इतने छोटे स्तर पर कि कभी कभार उन्हें ऑब्जर्व करना भी काफी मुश्किल होता है। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि छोटे ही सही, पर क्या डीएनए में म्यूटेशन करने से इंसानों को फायदा होगा? क्या छोटे छोटे म्यूटेशंस करके हम अपने शरीर को बेन के किसी एलियन में तब्दील कर सकते हैं? अब यार ये इतना सिंपल नहीं है। खुद की बॉडी में म्यूटेशन करवाने से पहले हमें नेचुरल तरीके से होने वाले म्यूटेशन को अच्छे से स्टडी करना होगा कि ये करना सेफ है या नहीं। और देखो यार, बदकिस्मती से अपना डीएनए को म्यूटेट करना एक बेहद ही बेवकूफ प्लान हो सकता है। डीएनए में छोटा सा भी चेंज होने से आपको बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती है।
अब जैसे कि सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल ले लीजिए, ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें डीएनए में बहुत ही छोटा सा म्यूटेशन होता है। इससे होता यह है कि आपके रेड ब्लड सेल्स की शेप बदल जाती है और उसकी फंक्शनैलिटी रुक जाती है। अब इस तरह के सेल्स जल्दी बॉडी में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या उससे भी ज्यादा खतरनाक। अब ये सेल्स जगह जगह ब्लॉकेज कर देते हैं जिससे इंसान की मौत हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे जेनेटिक बीमारियां हैं जो इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है, और इसीलिए दोस्तों साइंटिस्ट ह्यूमंस पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहते। अब हो सकता है कि लापरवाही से हम एक ऐसी बीमारी को जन्म दे दे जिससे लाखों लोगों की मौत हो जाए। हम ह्यूमंस को हर चीज बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत हो गई है। सैलरी से लेकर लाइफस्टाइल तक सोशल मीडिया पर देखें तो हर चीज में लोग टॉप पर ही आना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम सब जानते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब फिक्शनल राइटर्स को जैसे ही पता चला कि एवोल्यूशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं, तो उन्होंने इसका नेक्स्ट लेवल इमेजिन कर लिया और ह्यूमंस को सीधा सुपर पावर्स ही दे डाले। अब ओमनीट्रिक्स की फंक्शनैलिटी भी किसी ऐसे ही क्रिएटिव राइटर ने लिखा था। ओमनीट्रिक्स सिर्फ बेन के डीएनए को चेंज करके उसे दूसरे एलियंस में ही नहीं बदलता, पर इसके अलावा भी बहुत कुछ करता है। अब पहले वो दूसरे एलियन डीएनए को बेन के डीएनए के साथ कंपैटिबल बनाता है, फिर धीरे धीरे उसे फ्यूज करके उसके डीएनए को इनहेंस करने लगता है, और अंत में ओमनीट्रिक्स उस एग्जिस्टिंग एलियन की नेचुरल पर्सनैलिटी को भी सप्रेस करता है। अब आपने देखा होगा कि बेन चाहे किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो, फिर भले ही वो पहली बार वो एलियन क्यों ना बन रहा हो, बेन को उस एलियन की सभी पावर्स के बारे में पता होता है। वो इसीलिए क्योंकि हर एक एलियन की अपनी एक पर्सनालिटी होती है जिससे ओमनीट्रिक्स उसके यूजर पर हावी नहीं होने देता। हमने सीरीज में देखा है कि घोस्ट फ्रीक, बिग शील और एलियन एक्स जैसे एलियंस ने कई बार बेन की ही पर्सनालिटी को सप्रेस कर दिया था। अब इसीलिए ओमनीट्रिक्स का ये फंक्शन भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब रियल लाइफ में इसी चीज का एग्जांपल है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब एक बार सोच लेते हैं कि हमने गलती से ही एक ऐसे डिवाइस बना लिया है जो डीएनए को चेंज करके हमें दूसरी स्पीसीज में बदल देता है, तो क्या लगता है इससे हमारी पर्सनालिटी भी नहीं बदल जाएगी? एवोल्यूशन और म्यूटेशन की वजह से हमारी बायोलॉजी के साथ साथ फिजियोलॉजी भी चेंज हुई है। अब देखो ना, आज के इंसान पहले के किसी भी इंसान से ज्यादा स्मार्ट है या बेसिकली पर्सनालिटी में पहले के मुकाबले अलग है, तो डीएनए में इतने ड्रास्टिक चेंज करवा देने से जाहिर सी बात होगी कि पर्सनालिटीज में भी ड्रास्टिक चेंज आएंगे। अब पता चला हमने एक ह्यूमन को म्यूटेट करके उसे सुपरमैन्स की पावर्स दे दी, लेकिन बदले में उसकी पर्सनालिटी बदल गई और उसने पूरे अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ये सभी बहुत दूर की बातें हैं, हम तो बेसिक जीन चेंजेस करने में भी असफल है, तो किसी को सुपर पावर्स देना बहुत ही दूर की बात हो गई। लेकिन दोस्तों एक तरीका है जो कि आगे जाकर बहुत ही प्रॉमिसिंग साबित हो सकता है। दोस्तों रेडिएशन एक ऐसी चीज है जिससे इंसानों को बचना चाहिए, लेकिन इन्हीं रेडिएशन को सही से इस्तेमाल करके हम म्यूटेशन पैदा कर सकते हैं। अब एक स्टडी के मुताबिक एक्स रेज की हेल्प से प्लांट्स और एनिमल्स को रेडिएट किया जा सकता है और उनके एवोल्यूशन रेट बढ़ाई जा सकती है। मतलब बेसिकली रेडिएशन के हेल्प से एवोल्यूशन को फास्ट फॉरवर्ड किया जा सकता है। म्यूलर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्स रेज का इस्तेमाल करके इस एक्सपेरिमेंट को करने की भी कोशिश की है, लेकिन यार बदकिस्मती से इस एक्सपेरिमेंट में केवल 11% जानवर ही बच पाए थे, और जो बचे कुचे सर्वाइवर्स थे उन्हें ब्रीड करने दिया गया और उनकी सेकेंड या थर्ड जनरेशन में कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने मिले। एनिमल्स की बॉडी में क्लियरली चेंजेस दिख रहे थे, चाहे वो कलर में फर्क हो या फिर पर्सनैलिटी में। अब म्यूलर ने यहाँ माना कि रेडिएशंस के हाई डोजेस बेहद ही खतरनाक हो सकते हैं, पर म्यूटेशन ब्रीडिंग की ये टेक्निक फ्यूचर में इफेक्टिव भी हो सकती है। वैसे दोस्तों आप क्या चाहते हो? क्या आप भी चाहते हो कि फ्यूचर में हम ओमनीट्रिक्स जैसा कोई डिवाइस बनाए जिससे किसी दूसरे स्पीसीज में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सके, या फिर जैसा चल रहा है वही अच्छा है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और अगर आप भी मेरी तरह बेंटेनिजन के फैन हो तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको ये वीडियोस जरूर पसंद आएंगे, तो जाकर जरूर देखना। तब तक मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।